पहले कैसी सरकार चलती थी? कांग्रेस के जमाने में सामान्य मानवी को गैस का कनेक्शन सीधा नहीं मिलता था। जब तक कटकी कंपनी की व्यवस्था न हो, गैस का चूल्हा नहीं मिलता था। उसके जमाने में नियम था कि हर मेंबर पार्लियामेंट को, एमपी को 25 कूपन मिलेगी, हर साल 25 कूपन, और वो अपने इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में एक साल में 25 लोगों को कूपन देगा, उस कूपन से उसको गैस का कनेक्शन मिलेगा। ये देखिए 21वीं सदी में कांग्रेस ने कैसे राज किया, इसका नमूना देखिए। एमपी को 25 कूपन, 5 साल में 125 कूपन और 125 घरों में गैस का कनेक्शन। मध्यम वर्ग का परिवार सुबह एमपी साहब के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहता था, हाथ पैर जोड़ता था, साहब एक कूपन दे दीजिए। वो कहता है अगले साल देखूंगा, आएगा तो दे दूंगा। वो कहते हैं अच्छा इतना कोई सिफारिश लाओ, कोई पैसे दे दो, कुछ भी करो, अरे दे दो, कोई सुनता नहीं था। ये देश वही है, लोग वही है, सरकार वही है, कानून वही है, फाइलें वही है, लीडरशिप बदलती है, सोच बदलती है तो काम कैसे होता है। हमने तय किया इस देश के 8 करोड़ माताएं बहनें जो लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी गुजारती है, हम मेरी इन गरीब 8 करोड़ माताओं को लकड़ी के चूल्हे से, अंधियारी जिंदगी से, धुएं की जिंदगी से मुक्त कराएंगे। और एक मां जब लकड़ी के चूल्हे से धुएं के बीच रोटी पकाती है, एक दिन में उस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता है, 400 सिगरेट का। और घर में जो बच्चे खेलते हैं उनको भी इस धुएं का शिकार होना पड़ता है। मैंने गरीबी देखी है, मैंने धुएं में और खाना पकाती मेरी मां को देखा है, दर्द होता था। प्रधानमंत्री बना तो मुझे लगा जो दर्द मेरी मां को होता था, ये करोड़ों करोड़ों मेरी माताओं का भी दर्द मुझे मिटाना है। 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का अभियान चलाया। और भाइयों बहनों, वादा नहीं, चुनावी घोषणाएं नहीं, 8 करोड़ परिवारों में से 6 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना दे चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे मध्य प्रदेश में भी 50 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला है और हमारे इस रुआ में भी 1.5 लाख परिवारों को ये कनेक्शन मिल चुका है। भाइयों बहनों, अगर इरादे नेक हो, नीति साफ हो, नियत में कोई खोट न हो तो अच्छे काम बहुत स्वाभाविक रूप से होते हैं। भाइयों बहनों,